प्रदेश हो या केंद्र, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आजमगढ़ से भी गुजरता है। आजमगढ़ जिस प्रकार वाराणसी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वैसे ही आजमगढ़ समाजवादियों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव वर्तमान में एमपी हैं, इस समय उनके लड़के अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के मुकाबले एक प्रत्याशी ढूंढ करके लाया है, नाम है दिनेश लाल निरहुआ। चलिए हम अखिलेश निरहुआ और यहाँ की सियासत पर चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं परिचय बताना चाहूंगा, आप हैं श्री रामचंद्र गिरी जी, महंत हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राम जन्मभूमि से पहले ही जुड़े, प्रदेश में मंत्री भी रहे, सुब्रमण्यम स्वामी के उनके साथ जुड़े हुए हैं, कल्याण सिंह के साथ पार्टी से बाय किया इन्होंने, कल्याण सिंह आए तो फिर पार्टी में आ गए, एक बड़ा नाम है इनका। अब हम रामचंद्र गिरी जी से सवाल करेंगे और मुझे उत्तर भी यथोचित देंगे। सबसे पहले आपका नमस्कार। निरहुआ यहाँ से चुनाव लड़ रहा है जी, क्या लग रहा है आपको? निरहुआ जीतेगा। अच्छा, उसकी विजय होगी। विजय होगी उसका। ये आजमगढ़ लोकसभा जो हमारी है, इस लोकसभा के सभी जातियों के लोग, छोटे बड़े सभी धर्मों के लोग भी अच्छा उसके साथ हैं। निरहुआ ने बड़ा काम किया है, बड़ा नाम भी रहा है, संघ का कार्यकर्ता भी रहा है निरहुआ? संघ का कार्यकर्ता भी रहा है। अच्छा, और लोकसभा आजमगढ़ से बिल्कुल पड़ोसी 5-7 किलोमीटर की दूरी पर उसका निजी आवास है। अच्छा, वहीं का मूल निवासी भी है। अच्छा, और यादव लोगों में उसकी अच्छी पकड़ है, उसके रिश्तेदार ही इतना संघ का कार्यकर्ता रहा है। तो कहाँ से, नागपुर से वो सर्टिफिकेट मिला कहाँ से? नहीं, सोच समझ के बताइए। वो कल तक तो अखिलेश के साथ था, आप कह रहे हैं कि संघ का कार्यकर्ता रहा है, नागपुर से चुन्नी कटवाया है। देखिए आरएसएस जो है, ये इसके कार्यकर्ता या इसके स्वयंसेवक जो है वो बहुत पुराने भी होते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक गति दूसरी होती है। ये स्वयंसेवक बहुत पुराना है और ये गाजीपुर से रहा है और कहीं नहीं। अच्छा, या तो आप पहला सर्टिफिकेट दे रहे निरहुआ को, संघ का स्वयं सेवक रहा है। नहीं, वो रहा लोग है। सवाल करेंगे आपसे। हाँ, करें। निरहुआ तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, अखिलेश के बहुत नजदीक रहा है। नहीं, अखिलेश के नजदीक वो रहा हो। हाँ। लेकिन उसका कोई व्यक्तिगत कार्य रहा होगा, उसका राजनीतिक सोच तो कभी थी ही नहीं, लेकिन वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयं सेवक। अच्छा, और अच्छा जी, तो उसकी लोकप्रियता को देखते हुए जी आप भी टिकट मांग रहे थे? नहीं, टिकट मांग तो रहे थे। अच्छा, और हम लोग कई लोग मांग रहे थे। अच्छा, लेकिन निरहुआ को जो पार्टी ने तय किया वह हर एंगल से तय कर सोचे होंगे। तो क्या आप कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, कार्यकर्ताओं को, निरहुआ को कार्यकर्ता ही माना जाएगा। अच्छा, हाँ, अब मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा। अब तो नरेश अग्रवाल भी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, कार्यकर्ता सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा, वो जो गोरखपुर से सांसद हुए थे समाजवादी पार्टी के, अब वो अभी कार्यकर्ता हो गए भाजपा के? क्या नाम होगा? नमो, आप बताइए ना। जो अरे योगी जी के खाली सीट खाली होने पर जो समाजवादी पार्टी से जीते थे सांसद जी, वह भाजपा के नेता है ना? अब ये बात तो मैं बहुत विशेष रूप से नहीं बता पाऊंगा। चलिए, जिस पर आप तो महंत हैं जी, और जिस पर पल्लों से और अक्षत छिड़क दिया, वो सभी पवित्र हो गए? नहीं, वो देखिए, ये तो आध्यात्मिक विषय है। अच्छा, हाँ, और आध्यात्मिक विषय से राजनीति से मतलब नहीं है। अच्छा, राजनीति दूसरी विषय है, राजपाठ कैसे मिले। अच्छा, और राजपाठ कैसे राजधर्म निभाया जाए। हाँ, हाँ, ये विषय दूसरी है। मतलब राजधर्म राजनीति है पूरी तरह? हाँ, धर्म नहीं है। नहीं, राजधर्म ही राजनीति है। तो जहाँ धर्म आ गया वहाँ तो फिर इसका पालन करना चाहिए। धर्म बहुत बहुत व्यापक शब्द है। अच्छा, धर्म व्यापक शब्द है। और निरहुआ छोटा सा है, ये सब होता रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, निरहुआ जो है हर तरह से एक जो है पात्र व्यक्ति है, और चुनाव लड़ने में हम लोग सब उसका आदर कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर विशेष गुण है। उसका आदर कर रहे हैं या फिर हाईकमान का आदर कर रहे हैं क्योंकि हाईकमान छुट्टी कर देगा? नहीं, यहाँ तो सब अमित शाह की चल रही है। अमित शाह जिसको चाहेंगे कान पकड़ के बाहर कर देंगे? नहीं, देखिए, वो ऐसा भी नहीं है। जो मूल कार्यकर्ता है उसको बाहर क्यों करेंगे? हक किसका था? कौन कौन लोग यहाँ से टिकट मांग रहे थे लोकसभा का? देखिए, टिकट तो मांग रहे थे, एक मैं मांग रहा था, जनार्दन सिंह गौतम तो मांग रहे थे। अच्छा, जनार्दन सिंह तो चुनाव लड़े भी हैं यहाँ से? हाँ, लड़े हैं, 1991 में सांसद का चुनाव लड़े हैं।
रमाकांत सांसद रहे हैं, भाजपा का खाता खोले हैं। इस समय कहाँ गए रमाकांत? रमाकांत तो कांग्रेस में चले गए, भदोही में। देखिए रमाकांत यादव यहाँ से 4 बार एमपी रहे हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी से, 1 बार बहुजन समाज पार्टी से, 1 बार भारतीय जनता पार्टी से। तो इस बार निरहुआ को लाए लोग, रमाकांत यादव यहाँ से पलायन करके भदोही में। अब चौथा दल है उनका, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो एक गीत है, थोड़ा धारदार तो है, आपका क्या होगा। अच्छा, अपनी तो कुछ गीत स्मरण हो रहा है आपको? जी जी, हाँ ठीक। थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी जी, आपका क्या होगा। तो आपका क्या होगा, आगे वाला शब्द थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन उसका अगर सकारात्मक पक्ष ग्रहण करते हैं, जी जी, जनाबे आली, जनाबे आली से अभिप्राय उन कार्यकर्ताओं का है जो दरी बिछाते थे, जो दल के लिए अपनी अपना जी जान लगाते थे। 107-16 होता था चुनाव में, 110 जी लगता था, गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती थी, मुकदमा लड़ते थे। गिरी जी, उनका क्या होगा? देखिए, बहुत सही बात यह है कि जो यह सब काम करते थे, जो आज कर रहे हैं, ये राष्ट्र हित में कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति है और उनका देश प्रेम है, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं है। कितने गुंडों को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इस समय, कुछ एहसास है आपको? हमारे समझ में तो किसी गुंडे को नहीं दिया गया। अच्छा, कोई गुंडा नहीं है? नहीं, नहीं। सब नीट क्लीन और स्वच्छ छवि वालों को टिकट। अब देखिए, सतयुग तो है नहीं, सतयुग नहीं है, कलयुग है, तो कुछ न कुछ प्रभाव दोष रहेगा, कलिकाल का प्रभाव रहेगा। जी जी, ये अभी है कलिकाल का प्रभाव कि इतने लंबे कालखंड से राम जन्मभूमि के आंदोलन से भी आप जुड़े रहे, विवादित ढांचा ढाया गया तब भी आप थे, और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते थे, आप यहाँ की रीढ़ हैं। और कलयुग ये अभी है कि आप जैसे लोग हाशिए पर कर दिए गए। देखिए, उसमें एक वजह है, यह आवश्यकता है कि लोकतंत्र में जनता की संख्या बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, हम गोस्वामी समाज से आते हैं, गोस्वामी समाज की संख्या कम है, तो राजनीति में संख्या कम पर थोड़ा। लेकिन लेकिन यदि यादव के नाम पर निरहुआ को दिया गया तो रमाकांत में क्या दिक्कत थी? रमाकांत तो 4 बार एमपी रहे। रमाकांत थोड़ा बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बोलने लगे थे। अच्छा, तो दोनों कैसे होगा, या तो साथ होगा या तो फिर शत्रुता होगी। तो गठबंधन वाले ओम प्रकाश तो लगातार जहर उगल रहे हैं, आज भी उगल रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं एक तरफ कर दे रहे हैं? नहीं देखिए, वो ओम प्रकाश जी तो उनका एक अलग व्यक्तित्व है, वो धन कमाने के प्रयास में ज्यादा रहते हैं, धन कमाने के। हाँ, तो ये लोग क्यों उनको पाल करके रखे हैं, क्यों नहीं एक तरफ कर दे रहे हैं धन कमाने के? यदि शोषण कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ओम प्रकाश पैसा भी इन लोगों से लेते होंगे। नहीं, ओम प्रकाश पैसा भाजपा से नहीं पाए। अच्छा, नहीं, ये अन्य प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं ये, लेकिन पाए नहीं, अन्य तो पाएंगे। और उनका जो राजनीतिक जो समीकरण गठबंधन का है, इस पर हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रदेश सत्र के नेताओं का निर्णय लेना है, वो एक सोच। तो यहाँ से तो यादव निरहुआ को नहीं देगा वोट, क्योंकि यादव तो अखिलेश जय 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 अखिलेश ऐसे कर रहे हैं, जय 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 अखिलेश। आप कहेंगे ओम जय जगदीश हरे, और वह कह रहे हैं जय 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 अखिलेश। आप एक बार जय करके जगदीश हरे कहेंगे, वह 10 बार जय 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 कर रहे हैं। देखिए, जो पढ़े लिखे यादव वर्ग के लोग हैं, अच्छा, वो निरहुआ के साथ 10-15% वोट हर हालत में इसको मिलेगा। अच्छा, और यादव लोगों का यादव लोगों का 10-15% इसलिए मिलेगा कि वो मोदी को भी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, और मायावती और अखिलेश का जो गठबंधन है इसको नकार रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे यादव लोगों का ये दिमाग में है। अच्छा, ये गलत हुआ। तो 10-15% वो मिल जाएगा, शेष सवर्णों का मिल जाएगा और बनिया वर्ग का मिल जाएगा, फिर आप छक्का मार देंगे? नहीं, देखिए, छक्का नहीं मारेंगे। हाँ, एक ढंग से चुनाव लड़ करके जीतेंगे जीतेंगे। और इसमें हमारा जो हरिजन वोट है, जो अनुसूचित जात का वोट है, इसमें जो चमार वोट है, ये भी 10-15% हमको मिल रहा है। अच्छा, 10-15% यादव वर्ग का, 10-15% चमार वर्ग का। जी, दलित वर्ग का, दलित में अन्य जो दलित है। अच्छा, वो क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे कि वो मोदी को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, वो जो अध्यादेश ले आए थे, हाँ, मोदी जी, हरिजन बनाम सवर्ण वाला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए, तो हमको लग रहा है कि जैसे वही कहना चाहते हैं क्या आप? नहीं देखिए, उसमें यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विदेशों में, कई विदेशों में मूर्तियां बनवाए हैं, सम्मान किए हैं। अच्छा, वही जो हरिजन बनाम सवर्ण
का अध्यादेश लाकर उसको पास कराया, तो उससे खुश है क्या हरिजन वर्ग? नहीं, वो एक सही काम किए हैं, खुश हो चाहे नाराज हो। अच्छा, लेकिन वो जो भी हमारे अनुसूचित जात के लोग हैं, जिसमें अन्य भी जातियां हैं जैसे कटिक हैं, धोबी हैं और भी हैं, ये तो 100% देंगी, लेकिन चमार वर्ग जो है 15% देगा। चमार वर्ग 15% ये उज्ज्वला गैस मिली है इन लोगों को, और सारी चीजें हैं उनके साथ हुआ काम, सम्मान निधि। ये सब यहाँ से रख करके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से इसके ऊपर नहीं नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल। आपका क्या होगा, आपका क्या होगा? हम तो देखिए आपसे अभिप्राय क्या होगा उनका जो दरिद्र है। हम तो केवल इतना ही प्रसन्न है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्व में नाम हुआ है और मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय नेता हुए हैं। हम तो उनको राम का अवतार मानते हैं, मोदी जी को राम का अवतार मानते हैं। एक बार उधर दिखा दीजिए, मोदी जी का चित्र भी लगाया है, इधर कमल का फूल है, पुराने समय का मोदी जी का चित्र है, उधर अमित शाह भी हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्होंने उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया है। बिचारे आडवाणी जी, आप तो आडवाणी जी के साथ गए हैं, मिले हैं, वो हमको पहचानते हैं, माननीय आडवाणी जी मुझे पहचानते हैं। लेकिन माननीय आडवाणी जी का कहीं कुछ ऐसा नहीं सोच पार्टी की है कि उनको कहीं किनारे किया गया है, वो मार्गदर्शक मंडल में है ही। अच्छा, उनसे राय लेके ही प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। अच्छा, भी काम करते हैं। हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं है, सही बात है। और राष्ट्रपति लायक थे नहीं वह? अब देखिए, ये विषय तो हमारे समझ से परे है। हाँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेताओं के बीच की बात है। हाँ, हम लोग उनका अभी आदर करते हैं और आडवाणी जी भी काम में लगे हैं। अच्छा, कलराज मिश्र तो पहले ही समझ गए बेचारे कि हमको पहले ही हट जाना चाहिए, नहीं तो टिकट तो ये लोग देंगे नहीं। देखिए, उम्र की बात है और उम्र का जो उन्होंने एक पैमाना दिया है पार्टी ने, उसके हिसाब से कलराज जी और ये लोग राजनीति। चलिए गिरी जी, बड़े नपे तुले जवाब देने वाले हैं और बड़े सदैव नेता हैं, जाहिर सी बात है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के कल्याण सिंह और तमाम लोगों के साथ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने बताया कि निरहुआ संघ का स्वयं सेवक रहा है। गिरी जी ने एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया। चलिए, कुल मिलाकर के गिरी जी, यहाँ मैं देख रहा हूँ घोड़ा भी रखते थे क्या? हाँ, घुड़सवारी करने की शौक मेरी थी। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र 66 वर्ष है। अच्छा, अभी कोई सेहत पर मतलब लग रहा है जैसे जवानी की शुरुआत हुई अभी है। ये भगवान शंकर की कृपा है। तो आपको कब रिटायर करेंगे ये लोग, जैसे कलराज मिश्र और ये लोग रिटायर हो गए, तो आपका कब? अब हमारे पास जितनी व्यक्तिगत शक्ति है उसका हम भारतीय जनता पार्टी में सहयोग में लगाते रहते हैं। अच्छा, और वो रिटायर करें न करें उनके आधार पर। अरे, जब टिकट नहीं देंगे तो रिटायर है समझेंगे? नहीं, हम रिटायर अपने को नहीं समझेंगे, हम एक सक्रिय कार्यकर्ता लगे रहेंगे जी, सटल रहे, निरहुआ सटल सटे रहेंगे, चाहे जितनी भी दुल्हन बीमार रहेगी। नहीं, बीमार दुल्हन नहीं रहेगी, वो देखिए नीतियों से हम लोग सहमत हैं। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उससे पूर्णतया सहमत हैं। हाँ, इसलिए चलिए, देखिए घुड़सवारी भी करते थे इधर, तो रिवाल्वर का भी आपने? हाँ, वो के रख लिया गया है इसे। क्या मतलब, नकली है कि असली वाला है? नहीं नहीं, ये तो खोल है। अच्छा, इसमें रिवाल्वर नहीं, कवर है। मतलब असली रिवाल्वर भी आप उसके धारक हैं? असली रिवाल्वर के धारक रहे हैं लेकिन वो इस समय नहीं है। अच्छा, क्या मतलब, जैसे बेच दिया आपने? हाँ, हटा दिया हमने, फिर लेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर लेंगे, लाइसेंस तो होगा ही। अब देखिए, अब वो अलग विषय है। अच्छा, इधर पता नहीं और कोई शस्त्र दिख रहा है? तलवार का लाइसेंस है। तलवार का लाइसेंस मेरे पास है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ तलवार का लाइसेंस मेरे पास 84 से। थोड़ा दिखाइए। दिखा दे। अच्छा, लीजिए देखिए, इसको मैं लेके चलता भी हूँ। अरे, यह तो तलवार केवल हम सिख लोगों को देखते थे। नहीं नहीं, भारतवर्ष में किसी भी नागरिक को तलवार भाला सबका लाइसेंस होता है। ये मैं लेके चलता हूँ, बाकायदे चलता हूँ, ये मेरी रक्षा भी कर सकता है। देखिए, आप सभी भी इस बात को, हो सकता है बहुत लोग, मैं तो नहीं जानता था कि इसका भी शस्त्र लाइसेंस होता है तलवार का। कितना वजन होगा इसका? इसका वजन 300 ग्राम हुआ। मैं खतरा भी तो कर सकता हूँ, आपको नहीं लगता है? हाँ, कर सकते हैं। तो सतर्क आप, लेकिन आप पर विश्वास है या उसी प्रकार जैसे ऊपरी लोगों पर विश्वास है। हाँ, नेतृत्व पर, चाहे जिसको ले आ दे। हाँ, जिसको ले आ दे।
कुत्ते के पोछ में बांध देगा कमल का फूल, नहीं, तो जय जयकार करेंगे, ऐसा कर ही नहीं सकते। अच्छा ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा नहीं करेंगे, नहीं नहीं ऐसा। लेकिन जिसको जिसको टिकट देंगे हम उसी की जय जयकार करेंगे, इसलिए कि हम निष्ठावान हैं। निष्ठावान है। क्या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कनकट्टा हो गया है? कनकट्टा से विपराय जैसे बकरे का कान काट दिया? नहीं ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल इस बात से बहुत प्रसन्न। कनकट्टा माने मतलब जैसे उनको कोई नहीं छुएगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, साढ़ हो गए वो, भैंसा हो गए, ऐसा नहीं है। भारतीय यही एक ऐसी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्र में और प्रदेश में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जेल भेजा गया है। अच्छा। इनके विधायकों को भी जेल भेजा गया है। अच्छा। इसमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की योजना बनी है। अच्छा। हाँ, जिसमें भाजपा बनने से किसी को बचना नहीं है। और सबसे अधिक मुकदमे तो इन्हीं लोगों पर हैं जो रिपोर्ट आ रही है। हाँ, उसमें कारण है भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। अच्छा, वो मुकदमे जो इन लोगों पर लादे गए हैं, किन लोगों पर? सरकारों ने ला दिया। किन लोगों पर? जो भाजपा के लोगों पर इन लोगों पर लादे गए हैं, तो वो हटा दिए जाएंगे? नहीं नहीं, हटाए नहीं जाएंगे। हाँ, जैसे योगी जी पर हटा दिया गया उसका ट्रायल, और जो चिन्मयानंद ने जो लड़की के साथ किया था उसको भी हटा रहे हैं लोग, तो इसे हटा देंगे लोग? पावर है साहब, रोकेगा कौन? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, पावर का बेजा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। अरे पत्थरबाजों को रिहा कर दिया गया, 10,000 पत्थरबाजों को लगभग। ऐसा है, ये तो महबूबा जी ने किया। नहीं नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया, या या ठीक बात है, अब ये उनकी मर्जी रही है, उनकी मर्जी है। चले चलिए, गिरी जी फंसेंगे नहीं, और बड़े कलाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि निरहुआ संघ का कार्यकर्ता है, नागपुर से चुन्नी कटाया है, मोहन भागवत जी जो आज प्रमुख है वहां से हुआ। चलिए, धन्यवाद गिरी जी, अच्छा लगा, और आप लगे रहिए, आप 66 के लग नहीं रहे हैं, 100 साल तक आप जिए, यही है। और आप जैसे लोगों से ही एक दल की स्थिति नहीं है, यह अनेक सारे दलों की, सब ने अपनी सीमाएं तोड़ दिया है, दलों की कोई मर्यादा नहीं रही, जो जहां से आए उसको टिकट दिया जाए, धन बल बाहुबल उसका जातीय प्रभाव और अन्य समीकरण पैठ कितनी है यही सब देखा जा रहा है, और किसी दल के कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है, जय जयकार करते रहिए। धन्यवाद गिरी जी, नमस्कार। नमस्कार।